नो जनरल एग्जामिनेशन में माउथ एंड फेरिंग्स देखेंगे. ओके, यदि हम लोग जनरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और यदि हमको एग्जामिन करना है किसको, माउथ एंड फेरिंग्स को, तो हम लोग कौन कौन से पार्ट को उसके अंदर में हम लोग एग्जामिन करेंगे. ओके, सो पहला है हमारा लिप्स, सेकंड है ओडोर ऑफ द माउथ, थर्ड है हमारा टिथ, फोर्थ है म्यूकस मैम्ब्रेन एंड गम्स, नेक्स्ट है हमारा टंग एंड सबसे लास्ट है हमारा थ्रोट एंड फेरिंग्स. ओके, सो आई डील वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज लिप्स. ओके, तो किसके अंदर आता है ये, हमारा माउथ के अंदर आता है. ठीक है, तो यदि हमको लिप्स को क्या करें, एग्जामिन करें, तो लिप्स में हम क्या देखेंगे, रेडनेस, स्वेलिंग, क्रस्ट, साइनोसिस एक्सेट्रा. ठीक है, अब जो लिप्स है हमारा, ठीक है, किसी भी पेशेंट का हम एग्जामिन कर रहे हैं और स्पेशली क्या जो लिप्स है उसमें देखेंगे किसी प्रकार का रेडनेस तो नहीं हो गया है. नेक्स्ट है हमारा स्वेलिंग. ठीक है, या तो फिर स्वेल तो नहीं हो गया, दैट मीन्स फूला तो नहीं है जो लिप है. नेक्स्ट है हमारा क्रस्ट, फट तो नहीं गया है, या तो फिर साइनोसिस. साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश एंड डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, स्पेशली वो क्या, कौन यहाँ पे साइनोसिस हो जाएगा, जो लिप्स है. ओके, तो लिप्स में हम लोग इतने चीज़ों को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे. पहला है हमारा रेडनेस, नेक्स्ट है हमारा स्वेलिंग तो नहीं है, नेक्स्ट क्रस्ट फट तो नहीं गया है, या तो फिर नेक्स्ट हमारा साइनोसिस, दैट मीन्स ब्लूइश एंड डिसकलरेशन ऑफ द स्किन. ओके, स्पेशली लिप्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा ओडोर ऑफ द माउथ. ठीक है, ओडोर ऑफ द माउथ में अब हम लोग को क्या करना है, ये चेक करना है कि किस प्रकार का स्मेल उसके मुंह से आ रहा है. ठीक है, जो पेशेंट है जिसका भी हमको क्या करना है, एग्जामिन करना है, तो उसमें हम लोग को देखना क्या, फुल स्मेलिंग. ठीक है, दैट मीन्स कि जो एक गंदी टाइप की जो बदबू आती है, ठीक है, वो टाइप प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है, तो ये हम लोग को किस में एग्जामिन करना है, ओडोर ऑफ द माउथ में देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिथ. ठीक, अब टिथ में हमको क्या एग्जामिन करना है, इसमें देखेंगे हम लोग डिसकलरेशन एंड डेंटल कैरीज. ठीक है, डिसकलरेशन दैट मीन्स कि जो टिथ है पेशेंट का जिसको हम लोग एग्जामिन करना है, ठीक है, वो डिसकलर हो गया है. ठीक है, दैट मीन्स कि क्या होता है कि जो नॉर्मल कलर होता है किसका, जो टिथ का, ठीक है, क्या होता है कि बहुत क्या हो जाता है, डिसकलर, एकदम उसका जो नॉर्मल कलर रहता है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता हम लोग को. ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि डिसकलरेशन तो नहीं है, फिर डेंटल कैरियर. ठीक है, दैट मीन्स कि जो कैविटी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये दोनों आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग किस में, टिथ में, यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं तो. ओके, नेक्स्ट है हमारा म्यूकस मैम्ब्रेन एंड गम्स. ठीक है, अब जो माउथ के अंदर जो क्या है, म्यूकस मैम्ब्रेन और जो गम्स है, अब हम लोगों को उसमें क्या क्या चीज़ों को एग्जामिन करना है. तो पहला है हमारा अल्सरेशन, दैट मीन्स कि जो छाला हो जाता है. ठीक है, तो कहीं अल्सरेशन फॉर्मेशन तो नहीं हो गया, या तो फिर ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, कहाँ पे, स्पेशली जो म्यूकस मैम्ब्रेन है और गम पे. ओके, वहाँ पे देखना है कि छाला तो नहीं होगा, अल्सरेशन दैट मीन्स जो छाला है, ब्लीडिंग दैट मीन्स कि क्या बोलते हैं, जो खून बहता है बहुत, ठीक है, तो उस टाइप का कहीं निकल तो नहीं रहा है. नेक्स्ट है स्वेलिंग, दैट मीन्स कि फूल तो नहीं गया है, स्पेशली क्या, जो म्यूकस मैम्ब्रेन और जो हमारा गम्स है. ठीक है, वो स्वेलिंग तो नहीं हो गया, फूला तो नहीं है, या तो फिर पस फॉर्मेशन दैट मीन्स जो, ठीक है, वहाँ निकलता है, तो उस टाइप का कहीं फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है कहाँ पे. ये इतने सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को, कौन से पार्ट में, जो हमारा म्यूकस मैम्ब्रेन एंड गम्स है. ओके, तो वहाँ पे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, एग्जामिन करना है. ठीक है, क्या क्या करेंगे हम लोग, पहला हमारा अल्सरेशन फॉर्मेशन तो नहीं है, नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है किसी प्रकार का, नेक्स्ट है हमारा स्वेलिंग तो नहीं है, और फिर लास्ट है हमारा किसी प्रकार का पस फॉर्मेशन तो नहीं है. ठीक है, इतने सारे चीज़ों को क्या करना, एग्जामिन करना है हम लोग को, किस में, म्यूकस मैम्ब्रेन एंड गम्स में. ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा टंग. ठीक, अब टंग में हम लोग को क्या एग्जामिन करना है, जो हमारा जीभ होता है. ओके, अब उसको देखना है कि जो हमारा टंग है वो पेल तो नहीं दिख रहा, दैट मीन्स पीला तो नहीं दिख रहा है, ड्राई तो नहीं हो गया, सूखा तो नहीं हो गया है, लीजन्स दैट मीन्स किसी प्रकार का लीजन्स तो प्रेजेंट नहीं है, स्पेशली कहाँ पे, जो टंग है. ओके, एंड सॉर्ट्स तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये फोर पॉइंट हम लोग को एग्जामिन करना है, कौन से पार्ट में, ये जो हमारा टंग होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा थ्रोट
डैश टॉन्सिल, ठीक है। अब जो हमारा जो टॉन्सिल होता है, हम लोग को स्पेसिफिक कहाँ पे देखना है, थ्रोट एंड फैरिंग्स, ओके। तो जो टॉन्सिल होता है, ठीक है, वो कहीं बढ़ तो नहीं गया है, ओके, वहाँ पे किसी का, और इसके अलावा और क्या देखना है, वो स्वेलिंग तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करेंगे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसमें, माउथ एंड फेरिंग्स में, ओके। थैंक यू।